फ्रेंड्स, हमारे साथ आदि प्रकाश प्रहराज है। इन्होंने हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मुंबई से है, रहने वाले उड़ीसा के हैं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर था 554 और इस बार इनका स्कोर है 671। तो बहुत दुखी हुए होंगे पिछले बार कि 554 कुछ मिला नहीं, पर शायद भगवान को इनको बेटर कॉलेज भेजना था। अभी 554 में तो आदि प्रकाश बहुत अच्छा कुछ कॉलेज थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो बिल्कुल बॉटम का कॉलेज मिलता महाराष्ट्र में, राइट? हाँ, मतलब इधर का जो अभी 2020 में कॉलेज खुला तो उसी में मतलब होता है, अगर मिलेगा तो भी, और किसी में गुंडिया तो वाला। हाँ, जीएमसी। हाँ, तो अब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप अध्ययन? अभी पहले में प्रेफरेंस तो एम्स भुवनेश्वर, उसके बाद एम्स ऋषिकेश, दोनों में से जो भी ठीक है, गुड। मिले तो एम्स मुझे में एक चीज बच्चे ज्यादा बताइए, प्रेफर आपने करते हैं। हमारा फुल कोर्स लिया तो अच्छी तरह उससे पढ़ाई किया, फायदा हुआ? क्या क्या चीजें यूज की आपने नीट प्रेप के कोर्स के अंदर और ओवरऑल? मोस्ट पर्सनली मैंने सारे आपके मतलब वीडियो लेक्चर सारे देखे थे, सारे चैप्टर्स। इवन अगर मेरा वो चैप्टर आता भी हो तो भी मतलब मैं वापस उसको मतलब क्विक 2x की स्पीड में कंप्लीट देख रहा था, जो मेरे को स्ट्रांग भी आते। उसके बाद फ्लैश कार्ड, मास्टर क्लास बायोलॉजी, मास्टर क्लास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर मास्टर क्लास की जितने भी कोर्सेज थे, यही सब ज्यादा हेल्पफुल मेरे। और फ्लैश कार्ड ने बहुत एंड में जो रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प किया था। तो अदय, ये बताइए, आपका 554 था तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं था। अब आपने 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो कब आपने वापस तैयारी चालू कर दिया था 2021 का? 20 अक्टूबर से चालू कर दिया था मैंने वापस। 4 दिन तो वंट यू हाँ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 20 अक्टूबर को तो आपको 20 अक्टूबर को पता लग गया था कि आपको कॉलेज मिलेगा। आपने काउंसलिंग तो कराया होगा ना? हाँ मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं कराया था, स्टेट काउंसलिंग कराया था मैंने। अच्छा, वो समझदारी की, चलो स्टेट काउंसलिंग कराया। तो उस समय पे क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स का स्टेट काउंसलिंग पे इस चीज में टाइम वेस्ट होता है कि दे लिव अंडर द होप कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, और नहीं, मैंने उसमें वो नहीं दो किया था, मतलब को स्टार्टिंग से पता था मिलने तो है नहीं, सिर्फ एक मतलब काउंसलिंग एक्सपीरियंस, या फिर ऐसे बोल सकते कितने पे क्लोज हुआ है वो। लेकिन जिस दिन मैंने काउंसलिंग चालू की, उससे उससे पहले मैं पढ़ना चालू कर चुका था। फिर ठीक है। काउंसलिंग अगर मिला तो ऐसा सोचा था, मिला तो ठीक है चला जाऊंगा, नहीं तो पढ़ना चालू कर दिया था उससे पहले। चलिए, दैट इज फैंटास्टिक। मैं अभी भी स्टूडेंट से ये बोल रहा हूँ, काफी सारे लोग जो बॉर्डर लाइन केस पे हैं, प्रॉपरली तैयारी चालू कर दो और साथ में काउंसलिंग करो। असलियत में काउंसलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इट जस्ट दैट हम लोग उस होप में रहे और घर पे रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना चालू किया, तो फिर वो जो जिस एनवायरमेंट में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिस माइंडसेट में पढ़ाई करनी चाहिए, वो हो नहीं पाता है, करेक्ट? यस सर, इसलिए पहले से मतलब एकदम मतलब निराशावादी भी नहीं, लेकिन होप ज्यादा रखना नहीं चाहिए कि अगर लो स्कोरिंग मिले तो मिल जाएगा सर, रादर देन करेक्ट। आपको तो नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। अभी ये बताइए कि आपने 20 अक्टूबर से तैयारी चालू कर दी तो यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल विद सर्टेन चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर आपको लगता होगा कि हाँ ये डिफिकल्ट है, तो कैसे प्लान किया, दोनों को मिक्स करके पढ़ा? क्योंकि आप बताइए कैसे आपने प्लान किया है सारी चीज को? मतलब जैसे एक हफ्ते में 6 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर अगर ज्यादा टफ होंगे तो रखता था, जिसमें से कुछ में कुछ जो इजी होती थी उनको जल्दी भी खत्म भी करना है तो वो भी रखता था, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चैप्टर छोड़े भी थे या फिर जो टफ लगते थे तो उनको बाद में रखा था, मतलब वो भी साथ साथ करते रहते थे, वैसे तो मिक्स अप्रोच रखा था मैंने। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आदया, यहाँ पे किसी चैप्टर को जल्दी कैसे खत्म करते थे? व्हाट डू यू मीन बाय फिनिशिंग अ चैप्टर अर्ली? मतलब उसमें आपको एनसीईआरटी की, मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप में मैंने पढ़ा था, अगर बायो का हुआ तो मेरे को एनसीईआरटी के की पॉइंट सारे उस चैप्टर के अराउंड के चीजें पता है, उसके सिर्फ डायरेक्ट में खाली वो की पॉइंट्स देख के या फिर एनसीईआरटी का फटाफट रीडिंग मार के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले गए या फिर नोट्स क्वेश्चन तो बनाए वो तो। प्रैक्टिस किया हाँ ना पूरा वापस, ऐसा नहीं कि चैप्टर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं, आप कितना भी स्ट्रांग हो आपको, लेकिन अगर आप एक साल बाद वो चैप्टर पढ़ रहे हो आपको थोड़ा तो मतलब डर लगेगा कि वो चैप्टर फिर से पूरा होल्ड में है कि नहीं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद इजी वाला चैप्टर खत्म हो गया, डिफिकल्ट वाले चैप्टर को पूरा किया, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पूरा टाइम दिया। तो हाँ स्टूडेंट, मेरे मतलब हिसाब हाँ से जो हाँ गो अहेड आते हैं। हाँ मतलब जो डिफिकल्ट है उनको जैसे फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ते हैं कुछ वैसे ही पढ़ते रहे पूरा, फिर से मतलब थोड़ा तो टाइम स्टूडेंट, कंज्यूमिंग है लेकिन नहीं आप गो अहेड गो अहेड गो अहेड, सॉरी।
नहीं वो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको वही स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो चैप्टर्स एंड तक। तो स्टूडेंट्स ये वाली चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास खासकर जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, अध्याय जैसे बोल रहे हैं आप एक बार पढ़ चुके हैं चैप्टर को, है ना, तो एक तो आपको वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है एग्जैक्ट कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद ही मोशन इन अ प्लेन, फिर उसके बाद ही लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद ही वर्क एनर्जी पावर, आप सीक्वेंस जंप कर सकते हैं। और थोड़ा कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे अध्याय ने कहा एक हफ्ते में 4 चैप्टर, 2 बायो रख लिया, एक फिजिक्स रख लिया, एक केमिस्ट्री रख लिया, या 2 हफ्ते में 8 चैप्टर रख लिया, 4 बायो 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री, 4 बायो में से 2 इजी जो आप जिसपे आप कॉन्फिडेंट है। बाय द वे अध्याय इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको कोई दूसरा आदमी शेड्यूल नहीं दे सकता, क्योंकि हर जने का स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर डिफरेंट होगा, करेक्ट। यस सर, मतलब आपको अपना स्ट्रेंथ तो खुद ही पता लगाना पड़ेगा, आप किस चैप्टर से आपको डर लगता है, किस तो चैप्टर एक से आपकी लेवल और पे प्रॉब्लम। आप अपनी सीक्वेंस भी खुद ही डिसाइड करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गिव फॉलो अ सीक्वेंस विद समवन एल्स इज गिविंग यू। यस सर, बस कुछ ऐसे प्री डिटरमाइंड होते हैं कि आपको अगर ऑर्गेनिक पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए, वैसे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो मतलब जो उसका प्री डिसाइडिंग चैप्टर है उसको स्ट्रांग रखना जरूरी है कोई भी आगे पढ़ने से पहले। ठीक है, गुड है। तो अब ये बताइए किस जगह पे आके आपको कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अच्छा स्कोर आने वाला है, मतलब 554 से आपने स्टार्ट किया, तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या टारगेट था कि कितना कितना आप स्कोर करेंगे 2021 में, कुछ टारगेट अपने दिमाग में सेट किया था? जो है 680 690 के आसपास, जिसमें मतलब कॉलेजेस अच्छे अच्छे मिलते थे। 680 690 का टारगेट था। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। एंड में मतलब तो 2020 के हिसाब से मेरे को पेपर भी थोड़ा टफ लगा, मतलब टफ इन द पूरा टफ नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत थोड़ा अपर लेवल लगा मेरे को 2020। तो अगर बेंचमार्क को 2020 को सेट करके चलता तो मैं सोचा था 680 तक आ जाएगा। अच्छा वेरी गुड। तो यदि आपसे कोई पूछे, है ना, कि व्हाट इज दैट वन थिंग, एक ऐसी क्या चीज है जिसका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में, तो वो क्या होगा? यही कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी वीक चैप्टर्स है, आप जिस चैप्टर से डर रहे हो पहले, उस चैप्टर को आपको एंड तक अच्छे से करके ही रखना है। इन द सेंस ऐसे भी नहीं कि एकदम डेप्थ में घुस, मतलब एकदम डेप्थ में जाइए, एडवांस लेवल के भी नहीं, नीट जितना सफिशियंट है, मतलब एटलीस्ट आपसे नीट के PYQs भी अगर उस चैप्टर के सॉल्व हो रहे हैं, देन यू आर गुड इनफ इन दिस चैप्टर। बस आपको वही करते रहना और टेस्ट देते रहना है एट द एंड, मतलब वो जो लास्ट के एक महीने में फुल सिलेबस टेस्ट बार बार देना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ PYQ करना है ना, आप ये कह रहे हैं कि PYQ कम से अरे कम सिर्फ सॉल्व हो PYQ जाने। नहीं, हाँ हाँ मतलब आपको PYQ इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको मतलब उसके पता हो, हर क्वेश्चन की ट्रिक पता हो, कैसे सॉल्व होने, एट द उसको बेंचमार्क मान के चल सकते हो कि इस लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व, इस लेवल के मल्टीपल क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। एग्जाम चलिए, आप जेई एडवांस लेवल के भी सॉल्व करोगे तो वो भी नीट एग्जाम में कोई मतलब नहीं होता। तो गाइज मैं समराइज कर देता हूँ इस इंटरव्यू में जो कुछ चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 554 से 671, तो 117 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है अध्याय का। ही वाज टारगेटिंग 680 690 बट 671 फैंटास्टिक। एम्स भुवनेश्वर टारगेट कर रहे हैं, मिल जाना चाहिए प्रॉबेबली। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने ड्रॉप किया दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कौन से स्ट्रांग है, कौन से वीक चैप्टर है, किस पे कितना टाइम देना है, और ये शेड्यूल, ये टाइम टेबल, कौन से चैप्टर आपको पहले करने, कौन से बाद में करने, ये कोई और नहीं बताएगा, ये आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से डिसाइड करिए। और फाइनली ये कह रहे हैं वीक एरिया जो आपके हैं उनसे भागना नहीं है, उस पर आप लगे रहेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अध्याय एक चीज है, आपने एक चीज नहीं बताई स्टूडेंट्स को, आपने पहली बार फिजिक्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, पर वो रियलिटी 2020 के पेपर के बाद चेंज हो गई। हाँ मैं मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स के कुछ 30 या 31 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि मैंने सोचा था 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सब सही हुआ, थोड़े डर थोड़ा मतलब केयरफुल रहने के लिए और 5 कर लो। लेकिन तो चैप्टर छोड़ मैंने के गए थे आप, 2020 हाँ चैप्टर छोड़ के गए थे फिजिक्स में? हाँ चैप्टर छोड़ के गए थे, अभी 15 क्वेश्चन छोड़ने तो उस हिसाब से चैप्टर भी छोड़ दिए थे। सेमी कंडक्टर हाँ, छोड़ा था, और कौन फिर सा छोड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक बताओ बताओ। ऐसे सेमी कंडक्टर छोड़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक था मेरा, रे ऑप्टिक्स भी छोड़ा था। रे ऑप्टिक्स छोड़ा था इसलिए वेव ऑप्टिक्स के सिर्फ फॉर्मुलास पता थे, उसके कंसेप्ट ढंग से नहीं होते थे,
ऐसे, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी वीक था, फिर उस तरह से फ्लूइड छोड़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इस बार ये सारे चैप्टर्स भी पढ़े, क्योंकि इस बार स्कोर अच्छा करना है तो छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं इस बार कोई भी मतलब 96 चैप्टर्स के 96 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, एट द एंड आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए, क्योंकि नीट में वही डिमांड है उसकी मेन। करेक्ट। तो थोड़ा एग्जाम पैटर्न का आईडिया होना चाहिए कि पेपर ऐसा नहीं है, जेई एडवांस का पेपर ऐसा होता है कि फिर भी आपने क्वेश्चन छोड़ दिया चलता है, नीट के अंदर हाँ यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप छोड़ नहीं सकते हो, राइट? हाँ एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। इवन जो केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर्स आते हैं, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो चैप्टर्स में भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है सबका वर्थ 4 मार्क ही है। अब जितना टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, अब जितना इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, और एक स्टूडेंट, तो ये हमारे सामने है आद्या प्रकाश प्रहराज फ्रॉम मुंबई, स्कोरिंग 671। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू आद्या, होपफुली आपको एम्स भुवनेश्वर मिलेगा, एंड एनी हेल्प यू नीड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। बट स्टूडेंट्स को अच्छा आइडिया मिलेगा ये जो ड्रॉप करने के बाद आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। आई थिंक यू हैव टोल्ड अस वेरी वेल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच आद्या।